मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बच्चों में 12 साल की आयु के बाद किया जाता है। आज भी प्राचीन परंपराओं के मुताबिक मंदिरों में यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किए जाते हैं। ये जानकारी पंडित प्रकाश चंद शास्त्री ने यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान नैना देवी मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं को दी। बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर में पुजारी वर्ग द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। इस यज्ञोपवीत संस्कार में शौर्य शर्मा और संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे रिंकू शर्मा को विधिवत रूप से यज्ञोपवीत संस्कार करवाए गए। पंडित प्रकाश चंद शास्त्री ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही मनुष्य किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का भागी बन सकता है। यदि वो यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित है तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। प्रकाश शास्त्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में पहले मुंडन संस्कार, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, तदुपरांत विवाह संस्कार आयोजित किए जाते हैं और समय समय अनुसार ये परंपरा निभाई जाती है। आज भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले युवाओं को जहाँ पर अपना सिर मंडवाना पड़ता है, वहीं मंत्रोच्चारण और हवन यज्ञ के साथ यज्ञोपवीत धारण करवाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें गुरु द्वारा कान में गुरु मंत्र भी दिया जाता है, जिसका पालन उन्हें उम्र भर करना पड़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार का सबसे उत्तम महत्व है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना मनुष्य को किसी भी धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा उसी के उपरांत ही मनुष्य धार्मिक कार्य में किसी भी अनुष्ठान को करने का अधिकारी बनता है। इसीलिए 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार को अग्रणीय माना गया है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।